पहली बड़ी खबर आपको बता दें, औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा के पहले मनसे को झटका लगा है। पूर्व जिला अध्यक्ष सुहास दशरथे बीजेपी में हुए शामिल। औरंगाबाद व्हाट्सएप से मेट्रो टिकट लेने वाले यात्रियों की संख्या 3000 से बढ़कर 12000 के पार पहुंच गई है। मेट्रो वन द्वारा 15 अप्रैल को व्हाट्सएप के जरिए टिकट की बिक्री शुरू हुई थी। मुंबई में मंगलवार को कोरोना के 102 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 57% लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले मुंबई में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित जस्टिस केयू चांदीवाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देशमुख को क्लीन चीट दे दी है। द फ्री प्रेस जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। देश में कोरोना ने एक बार फिर से पकड़ा रफ्तार, खास तौर पर राजधानी दिल्ली और मुंबई में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में लगातार 5वें दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली मुंबई समेत कई राज्यों में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, इसको देखते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी और लू का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट से आज भी झटका लगा है। सेंसन कोर्ट से राणा दंपति को राहत नहीं मिली है, इन्हें फिलहाल 29 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। राणा दंपति को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में विभिन्न आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। हनुमान चालीसा पाठ विवाद से सुर्खियों में आने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा के सामने अब बी गैंग की एंट्री हो गई है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने नवनीत राणा पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि नवनीत राणा ने दाऊद के करीबी यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का लोन लिया था। मस्जिद में लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा और हिजाब विवाद के बीच इन दिनों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। ऐसी संभावना है कि केंद्र सरकार इस संबंध में जल्द ही पहल कर सकती है। वहीं दूसरी मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ संगठन भी अब खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतर गए हैं। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिखावटी कार्रवाई के खिलाफ हिंदू संगठन के लोग बुधवार को सड़क पर उतर आए। सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राणा ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लेटर लिखकर कहा कि संजय राउत ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और जातिगत टिप्पणी की है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गैर भाजपा शासित राज्यों से की वैट घटाने की अपील।